हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पंकज स्टडी सेंटर में। साथियों, हम लोगों ने पिछले पार्ट में वर्ब का जो पिछला पार्ट है उसमें हम लोगों ने बहुत सारे चीजों के बारे में डिस्कस किए थे। क्या क्या डिस्कस किए थे? वर्ब किसे कहते हैं, पहला पॉइंट। वर्ब के कितने टाइप हैं? तो उसमें दो टाइप होता है, मैन वर्ब और एक एक्जुलरी वर्ब जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ठीक है साथियों, तो यहां तक हम लोगों ने क्लियर कर चुके थे। ठीक है, तो आज जो इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे आप लोग के साथ में पूरा कंप्लीट में एक्जुलरी वर्ब के बारे में। तो और हाँ दोस्तों, एक चीज और, वर्ब फॉर्म को याद करने का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक था जो हम बीच में एक वीडियो डाले थे, उसमें आपको पता चल गया होगा वर्ब फॉर्म के बारे में। तो दोस्तों, आज की इस शानदार सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक्जुलरी वर्ब के बारे में। आइए, एक्जुलरी वर्ब होता क्या है? सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं अपना एक्जुलरी वर्ब, ए यू एक्स आई एल आई ए आर वाई, एक्जुलरी वर्ब। अब ये एक्जुलरी वर्ब होता क्या है? सबसे पहली बात कि एक्जुलरी वर्ब सर होता क्या है? तो बच्चों, वह वर्ब जो मैन वर्ब की सहायता करता है। ठीक है, जो मैन वर्ब की सहायता करता है उसे ही हम कहते हैं एक्जुलरी वर्ब। ठीक है बच्चों, अब इसकी एग्जांपल की बात करें तो ढेर सारे इसके एग्जांपल हैं, जैसे कैन, मे, डू, डज, है ना, सेल, विल, है ना साथियों, इज, एम, आर। तो इसके ढेर सारे एग्जाम्पल है, हम आपको अभी काउंटिंग करवाएंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो ईटीसी डाल देते हैं साथियों। अब समझना यह है कि सर एक्जुलरी वर्ब जो है अपना बहुत सारे हैं। अब हम इसको बारी बारी से कैसे समझेंगे? तो साथियों, एक्जुलरी वर्ब जो है इसको समझने के लिए जनरली इसे तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में साथियों? तीन पार्ट में इसे डिवाइड किया गया है। क्या क्या? नंबर पहला प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब, दूसरा मॉडल एक्जुलरी वर्ब, तीसरा एक आता है मारिजिनल एक्जुलरी वर्ब। आइए हम बारी बारी से सबका नाम लिख देते हैं। देखिए, एक्जुलरी वर्ब इसको तीन टाइप में बांट दिया गया है साथियों। देख लीजिए आप लोग, अभी सारा क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहला हम लिखेंगे प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब। देखिए, पहला नाम लिखे प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब। नेक्स्ट अपना आता है मॉडल, एम ओ डी ई एल, मॉडल एक्जुलरी वर्ब। देख लिए साथियों, दूसरा अपना क्या आ गया? मॉडल एक्जुलरी वर्ब। तीसरा अपना आ जाता है मारिजिनल, एम ए आर जी आई एन ए एल, मारिजिनल एक्जुलरी वर्ब। तो ये तीन टाइप हैं। कितने, कौन कौन से दोस्तों? एक तो बोले प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब, कौन सा बोले? प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब, ध्यान से समझिए, प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब, दूसरा मॉडल एक्जुलरी वर्ब और तीसरा मारिजिनल एक्जुलरी वर्ब। ठीक है, ये तीन टाइप के क्या है दोस्तों? एक्जुलरी वर्ब हैं। क्लियर, अब समझते हैं बारी बारी से कि क्या चीज होता है प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब, क्या होता है मॉडल एक्जुलरी वर्ब और क्या होता है अपना मारिजिनल एक्जुलरी वर्ब। देखिए, ध्यान से समझिए, एक एक चीजें आपका हम कंफ्यूजन खत्म कर देंगे। देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले जो हम हेडिंग लगा लेंगे बच्चों, वो लगा लेंगे क्या? प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब। देखिए ध्यान से समझिए, सबसे पहला हम हेडिंग लगाते हैं प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब।
ठीक है। अब यहां पे समझना यह है कि ये प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब कहते किसको है, आखिर इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो हम आपको बिल्कुल आसान वे में समझाते हैं साथियों कि अधिकांश प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब टेंस में प्रयुक्त होते हैं। किसमें प्रयुक्त होते हैं? टेंस में, TENSE, टेंस, टेंस में प्रयुक्त होते हैं। अब आप जैसे इसका देख लीजिए, जैसे डू, डू, डज, इज, इज, एम, आर, है ना, अधिकांश आप इसे टेंस में प्रयोग में लाते हैं। देखिए और भी एग्जांपल हम लिखें, सेल, सेल, विल, सेल, विल, हैड, है ना दोस्तों। ये सारे जो हम लिख रहे हैं ना आपके सामने, ये सारा किसमें प्रयुक्त होता है? तो ये सारे के सारे टेंस में प्रयुक्त होते हैं। हम आपको एग्जांपल भी बता सकते हैं, इसके ढेर सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो आई होप कि यहां तक चीजें आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ये जितने भी वर्ड लिखे हैं ये सारे किसमें प्रयुक्त होता है, जैसे हम एक इसका एक सेंटेंस में एग्जांपल आपको समझाना चाहते हैं, आप ध्यान से देखिए। जैसे हम लिखेंगे आई एम गोइंग टू स्कूल, तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों यहां पे एम का जो प्रयोग है ये टेंस है, मैं स्कूल जा रहा हूं। तो यहां पे ये जो एम लगा हुआ है ना, ये और ये टेंस का वाक्य है। अब जब हम टेंस पढ़ाएंगे तो उसमें सारे चीज बताएंगे आपको कि ये कौन से टेंस के अंतर्गत आते हैं, टेंस क्या है, टेंस के कितने प्रकार हैं, सारी चीजें के बारे में एक एक करके डीप में आपको हम बताएंगे, ठीक है दोस्तों। अभी आप ये समझिए कि ये एक टेंस का वाक्य है और इस वाक्य में जो एम का प्रयोग किया गया है ये मेरा कौन सा वर्ब है? प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? अब हमें बताइए, यहां तक क्लियर हो गया साथियों? अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अब आगे अपना आता है मॉडल, मॉडल एक्जुलरी वर्ब। अब आइए दूसरा हेडिंग बनाते हैं कि मॉडल एक्जुलरी वर्ब होता क्या है और उसके अंतर्गत क्या क्या चीज आते हैं, तो उसका भी हम आपको बिल्कुल आसानी से समझाने का प्रयास करेंगे। नंबर दूसरा, मॉडल, मॉडल एक्जुलरी वर्ब। अब ये मॉडल एक्जुलरी वर्ब क्या है और इसके अंतर्गत क्या क्या चीज आते हैं, देखिए ध्यान से। हाँ तो दोस्तों देखिए, मॉडल एक्जुलरी वर्ब जो है अपना, मॉडल एक्जुलरी वर्ब जो है, इसमें होता यह है कि मे, देख रहे हैं आप लोग, मे, माइट, कैन, कुड, सेल, देख रहे हैं दोस्तों, ये सारे जो है ना मॉडल एक्जुलरी वर्ब, सारे का यूज बताएंगे कि कहां कब यूज किया जाता है। तो सेल हो गया, सुड हो गया, मस्ट हो गया, देख रहे हैं मस्ट, आउट टू, ये जितने भी आप देख रहे हैं ना दोस्तों, इन सारे को हम कहते हैं मॉडल, मॉडल एक्जुलरी वर्ब, ठीक है। इस सारे को कहते हैं मॉडल एक्जुलरी वर्ब कहते हैं, क्लियर यहां तक में, कहते हैं, ठीक है साथियों, यहां तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि इससे जो है ना, इसे साधारणतः वाक्य में देखिए, इसे साधारणतः वाक्य में प्रयुक्त करने के बाद भीवन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसे क्या किया जाता है? भीवन, देखिए हमेशा साधारणतः वाक्य में इनके बाद जो है ना, जैसे देखिए कोई भी एग्जांपल आपके सामने ले ले, अगर कोई भी सेंटेंस साधारणतः वाक्य में जो है इनके बाद, अगर मान लीजिए कहीं पे लगा हुआ है ये मॉडल एक्जुलरी वर्ब, मॉडल
एक्जुलरी वर्ब लगा हुआ है। अब इसके बाद क्या लगेगा? तो इसके बाद हर हमेशा V1 का प्रयोग होता है। बस यही चीजें हम इस लाइन के माध्यम से बताना चाह रहे थे। क्या दोस्तों? कि मॉडल एक्जुलरी वर्ब अगर किसी वाक्य में लगा हुआ है तो उसके बाद आपको हर हमेशा V1 का प्रयोग मिलेगा। क्लियर? जी बिल्कुल, V1 का प्रयोग मिलेगा हर हमेशा, बाद में उसका क्या लगता है? V1 लगता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? हर हमेशा V1 का प्रयोग होगा। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे के मन में सवाल उठ रहा होगा। क्या सवाल उठ रहा होगा? कि सर ये V1 कहते किसको है? तो बच्चों ये जो V1 है, V1, V2, V3, V4, V5 ये वर्ब का फॉर्म है, और वर्ब फॉर्म को याद कराने का ट्रिक हम बता चुके हैं, उसे चार ग्रुप में बांटे हैं, वो सारी चीज के बारे में बहुत बढ़िया से हम डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको वह वीडियो पसंद आया होगा। तो यहां तक चीजें क्लियर होने के बाद अब हम नेक्स्ट तीसरा नंबर डिस्कस कर लेते हैं, जो कि तीसरा नंबर में हम आपको बताए थे क्या होता है? मार्जिनल। अब ये मार्जिनल होता क्या है, हम इसे क्लीन कर देते हैं। स्क्रीनशॉट चाहे तो आप इसका ले सकते हैं। क्लियर दोस्तों? आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो अपना है मार्जिनल, क्या है दोस्तों? मार्जिनल एक्जुलरी वर्ब। देखिए नंबर तीसरा मार्जिनल एक्जुलरी वर्ब, एक्जुलरी वर्ब समझिए, ये मार्जिनल एक्जुलरी वर्ब होता क्या है? पहली बात, इसका प्रयोग कैसे होता है, कहां किया जाता है, सारे चीज के बारे में हम एक एक करके डिस्कशन करने वाले। सबसे पहले आपको जानना यह चीज है कि मार्जिनल एक्जुलरी वर्ब किसको कहते हैं। ठीक है दोस्तों? दोस्तों देखिए मार्जिनल एक्जुलरी वर्ब होता क्या है, सबसे पहली चीज हम आपका यह कंफ्यूजन दूर करते हैं। तो मार्जिनल एक्जुलरी वर्ब डेयर नीड एंड यूज्ड टू को मार्जिनल एक्जुलरी वर्ब कहा जाता है, एक्जुलरी वर्ब कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आप दिमाग में पहले सेट कर लें। ठीक है साथियों, कि ये चीजें आप लोग सेट कर लें कि ये सारे वर्ड जो लिखे हैं ना, इन सारे को हम कहते हैं क्या? मार्जिनल एक्जुलरी वर्ब। क्लियर? अब आपको हम छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीज बात बताएंगे। देखिए यह जो है ना, यहां पे जो लिखा हुआ एक वर्ड यूज्ड टू, ये यूज्ड टू का प्रयोग कहां होता है? तो आपको हम सीधा बताते हैं कि यूज्ड टू का जो प्रयोग है ये पास्ट टेंस में होता है। कौन सा टेंस में होता है दोस्तों? पास्ट टेंस में यूज्ड टू का प्रयोग होता है। जैसे हम एक एग्जांपल लिखते हैं, फॉर एग्जांपल एक ले लेते हैं, वह अक्सर मेरे यहां आया करता था, वह अक्सर मेरे यहां आया करता था। समझिए दोस्तों क्या लिखे हैं, वह अक्सर मेरे यहां आया करता था। अगर हम इसका बना दें सेंटेंस, तो ही ऑप्टेन OFTEN ही ऑप्टेन यूज्ड टू कम टू मी, कहां आया करता था? मेरे यहां, कम टू मी। समझिए साथियों हम क्या किए हैं, ध्यान दीजिए, पास्ट टेंस का एक कोई सेंटेंस लिए। अभी आपको बोले ना कि यहां पे जो यूज्ड टू है इसका जो है प्रयोग पास्ट टेंस में होता है। किसमें होता है? पास्ट टेंस में होता है। अब एक सेंटेंस हम कोई ले लिए, वह अक्सर मेरे यहां आया करता था, वह अक्सर या आप लोग अक्सर मेरे यहां आया करता था। ठीक है, तो देखिए ही ऑप्टेन यूज्ड टू कम टू मी,
मतलब मेरे यहां आया करता था। कौन? वह अक्सर, ही ऑफ्टन। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये जो यूज्ड टू का प्रयोग है ये हर हमेशा पास्ट टेंस में किया जाता है। क्लियर, आई होप कि यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गया होगा दोस्तों। ठीक है, अब हम इसके आगे थोड़ा सा बढ़े तो एक तो चीज और बता दें कि ये सारे जो आप देख रहे हैं डेयर, नीड, यूज्ड टू, इसके भी हम एग्जांपल जैसे आपको बताते हैं कि उसे पैसे की जरूरत है, उसे पैसे की जरूरत है, ही नीड्स मनी, ही हम कहीं पे लिखे हैं, देखिए ही एन डबल ई डी एस डी एस नीड्स मनी एन ई वाई एन ई वाई मनी, अर्थात इसका हिंदी हो गया उसे पैसे की जरूरत है, ही नीड्स मनी। तो यहां पे जो नीड्स का प्रयोग हो गया ना, तो ये सारा हम आपको सारी चीजें बताएंगे। ठीक है, तो साथियों अभी ये आपको जानना है कि मार्जिनल एक्जुलरी वर्ब में जो है ये सारे जितने भी देख रहे हैं ना डेयर, नीड्स, यूज टू को हम मार्जिनल एक्जुलरी वर्ब कहते हैं। यहां पे जो खासकर यूज्ड टू का प्रयोग है, यूज्ड टू जो है इसको पास्ट टेंस में यहां प्रयोग किया जाता है। कहां किया जाता है इसको साथियों? पास्ट टेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। एग्जांपल फॉर आपके सामने है कि वह अक्सर मेरे यहां आया करता था। आपको यह पता चल रहा होगा कि यह टेंस, यह जो सेंटेंस हम लिखे हैं यह पास्ट टेंस का है, और यह पास्ट टेंस में आपको यह देखने को मिल रहा है कि यहां पे यूज्ड टू का प्रयोग किया गया है, और यूज टू का प्रयोग होता भी है। किसमें? पास्ट टेंस में होता है। क्लियर। अब देखिए दोस्तों एक चीज और हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये जितने भी आप देख रहे हैं ना ये सारा मैन वर्ब की तरह भी कार्य करता है, हेल्पिंग वर्ब की भी तरह कार्य करता है। देखिए समझिए, यह जो है कभी कभी, ये कभी कभी मैन वर्ब की तरह भी काम करता है और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी कार्य करते हैं। कौन? ये सारे डेयर, नीड्स, यूज टू, ये सारे। क्लियर दोस्तों, आई होप कि यहां तक चीजें आप लोग को क्लियर हो गया होगा। साथियों अगर यहां तक वीडियो आपको पसंद आया तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले ध्यान से सुन लीजिए। जैसे अभी हम आपके आपको बताए थे मॉडल एक्जुलरी वर्ब में बहुत सारे लिखाए थे, जैसे कुड, सी ओ यू एल डी, कुड, तो इसका प्रयोग कहां होता है? उसमें जितने सारे बताए थे ना, मस्ट, वी, सेल, विल, कुड, इस सारे का प्रयोग हम बहुत डीपली डिस्कस करने वाले हैं। बस साथियों आपका प्यार, आपका सपोर्ट चाहिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, एंड टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।